हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे मुझे पता है ये कंटेंट थोड़ा सा अलग है मेरे यूजुअल वीडियो से लेकिन मुझे मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा जो मैंने बनाया उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा बना के आप लोगों के साथ शेयर किया जाए सो so, अगर वीडियो थोड़ा सा थो भी पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दीजिएगा इससे मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और ट्राई करें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा तो यहाँ पे मैंने लिया है टोफू जो कि सोयाबीन सोय का है ये सोया अमृत करके एक ब्रांड का है टू ग्राम टोफू था टोफू अगर जिनको पता नहीं है बिल्कुल पनीर जैसा लगता है कलर में थोड़ा सा ब्राउनिश होता है लेकिन उसकी जो टेक्स्चर जो है उसका बिल्कुल पनीर जैसा होता है यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर लिए हुए हैं उसको मैंने वॉश कर लिया है बॉयल नहीं किया है है। यहाँ पर मैंने तीन से चार बड़ी प्याज दी है और अदरक और लहसुन को, को रफली मैंने कूट लिया है एक ले रही हूँ यहाँ पर मैं टमाटो और एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है तेल मैं यहाँ पे सिंग तेल यूज़ कर रही हूँ आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करेंगे कच्ची धानी बहुत अच्छा रहेगा तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है कूटा हुआ अदरक और लहसुन अदरक और लहसुन डालने के बाद उसको अच्छे से क्योंकि गर्म तेल में डाला है तो उसके अंदर हम प्याज डाल देंगे जो प्याज हमने चॉप की है और अच्छे से मिक्स कर देंगे अभी आप प्याज डालने के बाद ना नमक डालेंगे तो प्याज जल्दी पक जाती है उतना टाइम नहीं लेती तो मैं यहाँ पे पूरा नमक डाल देती हूँ जो सब्ज़ी में जाएगा पूरा ही नमक मैं एक ही बार में डालती हूँ क्योंकि मेरे से ये होता है कि बार बार डालने पे ना मैं अंदाज़ खो देती हूँ कि कितना डाला है तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में तो अभी जो है इसको बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं करना है गलाना नहीं है लेकिन ट्रांसपेरेंट करना है प्याज जब तक एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाए यानी आर पार दिखने लगे उसके बाद हम इसके अंदर टमाटो ऐड कर देंगे तो यहाँ पे करीबन दो मिनट पकने के बाद मेरी प्याज एकदम रेडी है मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर टमाटर अब इसको फिर से एक बार मिक्स कर देंगे और ऐड करेंगे इसके अंदर मिर्चें तो मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ इसके करीबन टू मतलब हाढ़ ढाई चम्मच जितना मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालूंगी सॉरी डालूंगी आप पे डिपेंड करता है आप कितना स्पाइसी खाता है कम ज़्यादा कर सकते हैं इसके अंदर मैं आधी चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और मैंने धनिया पाउडर भी डाला लेकिन क्योंकि ट्राई पाउड नहीं है एक हाथ से शूट कर रही थी तो वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई लेकिन आप धनिया पाउडर भी ज़रूर से डालिएगा अब इसको मैं ढक के थोड़ा गलने दूँगी बहुत नहीं बस ऐसा जैसा मैंने होने दिया करीबन एक मिनट के लिए मैंने ढका था इसे अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो हमने मटर जो है जिसको हमने भिगो के रखा था धो के रखा था और अब इसको मिक्स करके पानी डाल देंगे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ करीबन वन एंड हाफ ग्लास यानी कि डेढ़ ग्लास जितना पानी एक ग्लास मैंने डाला लेकिन बाद में आधा ग्लास मुझे ये डालना पड़ा अब ये मैं आधा ग्लास डाल के मैंने इसको डेढ़ गिलास डाल के बंद कर दिया है अब यहाँ पर सीक्रेट इंग्रीडियंट आता है बॉयल आलू तो हम मैंने ना एक उबला हुआ आलू डाल दिया इसके अंदर मैश करके और थोड़ी देर पकने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं ये अपने टोफू अब मैं हाथ गंदा दिख रहा है क्योंकि आटा गूंध रही हूँ तो uh, मैंने एक्चुअली भूल गई थी uh, शूट करना टोफू डालते टाइम तो मैंने गंदे हाथों से ही फटाफट शूट कर लिया और बस अब ढक देंगे तब तक कि जब तक मटर और टोफू के अंदर स्वाद चला जाए देखिए एंड रिजल्ट इतना प्यारा आया था अब इसको गार्निश कीजिए धनिया पत्ता के साथ और गर्मा गर्म सर्व कीजिए आप नान रोटी पराठे या चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा तो so, अगर ट्राई करते हैं ना तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा और डिफरेंट अगर थोड़ी सी भी लगती है या रेसिपी ग्रेवी के बिना कोई ताम झाम नहीं एक ताम है एकदम सिंपल से बनती है शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को मिलती हूँ तब तक बाय बाय